Friends, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to discuss about the chapter 3, human reproduction. Okay, so at first start from the reproductive phase. Reproductive phase start from the puberty. Okay, reproductive phase puberty se start hota hai, and in puberty gonadotropins begins to secrete. Reproductive phase start from the puberty and gonadotropins begins to secrete in puberty. Okay, and gonadotropins क्या करता है, इट रेगुलेट द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. गोनाडोट्रोपिन्स रेगुलेट करता है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शंस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शंस को डेवलपमेंट को एंड ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम गोनाडोट्रोपिन्स का करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज गोनाड्स. ओके, गोनाड्स, व्हाट इज गोनाड्स? सो इन मेल टेस्टिस इज गोनाड एंड इन फीमेल ओवरीज इज गोनाड्स. So testes and ovaries both are the gonads in male and female. Okay, so hormone secreted by gonads, and from testes and ovaries the hormone is secreted and that regulate the secondary sex organ. Okay, in human is the viviparous. Viviparous means that the development and fertilization occur inside the body. Means that the development and fertilization कहाँ होता है? मदर के बॉडी में होता है, inside the mother womb and inside the uterus. Okay, and development period, there is two types of development period, prenatal period and second is the postnatal period. Prenatal period is period passed in mother's womb, that is in the uterus. जो periods मदर के womb में uterus में जब passed होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीनेटल पीरियड कहते हैं और एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कहते हैं. एंड इन पोस्टनेटल पीरियड इज जो पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ, मींस फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बर्थ से डेथ के पीरियड को बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड. दिस अ नॉन एम्ब्रियोनिक पीरियड. सो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है कहां से? फ्रॉम प्यूबर्टी से, जहां गोनाडोट्रोपिन्स बिगिंस टू सेक्रेट. गोनाडोट्रोपिन्स का सेक्रेशन स्टार्ट होता है. गोनाडोट्रोपिन्स रेगुलेट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड फंक्शंस को. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फंक्शन को गोनाडोट्रोपिन्स रेगुलेट करता है, जिसको क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं. गोनाड्स के अंदर मेल में टेस्टिस एंड इन फीमेल में ओवरीज आर द गोनाड्स. हार्मोन सेक्रेटेड बाय गोनाड्स. टेस्टिस एंड ओवरीज से जो हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं वो क्या करता है? रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन को, वो रेगुलेट करता है. ह्यूमन क्या? ह्यूमन इज द विविपेरस. विविपेरस मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ कहाँ होगा? इन साइड बॉडी, मीन्स मदर के यूट्रस में, इन साइड यूट्रस में होता है. इसलिए ह्यूमन क्या है? विविपेरस. डेवलपमेंट पीरियड टू टाइप्स के होते हैं, प्रीनेटल पीरियड जो कि मदर्स के वॉम में और यूट्रस में वो पीरियड होता है, एंड पोस्टनेटल पीरियड बर्थ से डेथ के बीच के पीरियड को पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस गैमेट एंड सेक्रेट हार्मोन. ये क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है. देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शन फंक्शंस है वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा? गोनाडोट्रोपिन्स के द्वारा. एंड गोनाडोट्रोपिन सेक्रेटेड होता है कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से. एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स का सेक्रेशन होता है, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन का सेक्रेशन तब होता है जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है. जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है देन ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज द गोनाडोट्रोपिन्स. ओके, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज. नाउ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन बट नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. ओके, इट परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है कि वो ना तो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है ना हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. ये इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है रिप्रोडक्शन में बट डायरेक्टली वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है. एंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, जो फंक्शन है, वो डिपेंड करता है गोनाड्स के से रिलीज हुए हार्मोन से. मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उस पर डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जैसे कि इन मेल वॉस डिफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ईटीसी, दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. एंड इन फीमेल सच एज एन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना, मैमरी ग्लैंड, दिस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल. ओके,
Now the accessories और external sex characters. Accessories और external sex characters क्या है? तो ये जो accessories और external sex character है, ये male को distinguish करते हैं female से. दोनों में differences बताते हैं. First क्या है? कि जैसे कि male का low pitch voice होता है, जबकि female का क्या है? High pitch voice होता है. Male and female का जो body hair patterns होता है, वो different होते हैं. And उसका जो body hair pattern का जो distribution होता है, वो different होता है. Beard and mustache of male. These are the external sex characters. So what is the primary sex organ? Difference between the primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organ produce करता है gametes and secretes करता है वो hormone, जबकि secondary sex organs जो है ना gametes produce करता है ना hormone secrete करता है. But वो play करता है important function reproduction में. Primary sex organ का जो development, growth, development and जो functions है वो depend करता है किसपे? वो डिपेंड करता है गोनाडोट्रॉपिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है. एंड गोनाडोट्रॉपिस एंटीरियर पिट्यूटरी से तब सेक्रेट होगा जब हाइपोथैलेमस पे गोनाडोट्रॉपिन हार्मोन रिलीज होता है. गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है एंड वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ताकि गोनाडोट्रॉपिन निकल सके. एंड ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज है. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट में है वो डिपेंड करता है हार्मोन. हार्मोन से तो कौन से हार्मोन से? तो जो हार्मोन गोनाड से सेक्रेट होता है. इट मींस दैट द टेस्टिस एंड ओवरीज से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एंड फंक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसमें क्या हो गया कि मेल में क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स? वॉस डिफरेंस या वॉस डिफरेंस सिमिलर एग्जैक्टली प्रोस्टेट्स. एंड फीमेल में क्या है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना, मेमरी ग्लैंड्स. सेकेंडरी से एक्सटर्नल एसेसरीज और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स क्या है जो मेल को फीमेल से डिफरेंस करे? जैसे मेल लो पिच वॉइस, फीमेल हाई पिच वॉइस. एंड हेयर बॉडी पैटर्न इज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. एंड बियर्ड एंड मस्टेक्स ऑफ मेल. दिस इज द एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स एंड एसेसरीज. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस. सेकेंड इज द डक्ट सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फोर्थ इज द एसेसरीज ग्लैंड. डक्ट सिस्टम में क्या होता है? दो तरह का डक्ट सिस्टम होता है. एक होता है इंटर टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम. ओके, एंड इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम में डक्ट सिस्टम में क्या होता है? तीन चीजें होता है, ट्यूबुली डक्टी, रेटी टेस्टिस एंड डक्टिली डिफरेंसिया. ओके, इन एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में क्या होता है? इपिडाइडेमिस, वॉस डिफरेंसिया एंड यूरेथ्रा. ओके, नाउ इन एसेसरीज ग्लैंड. एसेसरीज ग्लैंड में तीन आते हैं. सबसे पहले क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड द यूरेथ्रा. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो टेस्टिस है. डक्ट सिस्टम है जो दो तरह का डक्ट सिस्टम होता है, इंट्रा टेस्टिकुलर होता है, दूसरा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर होता है. तो इंट्रा में क्या होता है? तीन है, ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस एंड डक्टिली डिफरेंसिया. जबकि एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में क्या है? एपिडर्मिस, वॉल डिफरेंसिया एंड यूरेथ्रा है. एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. एंड फोर्थ इज द एसेसरीज ग्लैंड होता है. एसेसरीज ग्लैंड में क्या है? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो इन दिस इज यूरेटर. ओके, एंड दिस पाइप इज वॉल्स डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस टू प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. ओके, एंड दिस इज अ पेनाइल यूरेथ्रा. एंड दिस इज द इपिडाइडेमिस. टेस्टिस के ऊपर में जो है क्या है? इपिडाइडेमिस है. एंड दिस इज द टेस्टिस. ये टेस्टिस है, टू वन पेयर टेस्टिस. ओके, बोथ साइड से. एंड टेस्टिस जो है यहाँ किससे है? ग्यूब्रेनाक्यूलम. इट इज कनेक्टेड टू इट विथ ग्यूब्रेनाक्यूलम से ये कनेक्टेड है. ओके, एंड दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस. इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस. दिस इज द फोरस्किन. इसको फोरस्किन को क्या बोलते हैं? पीरीप्यूज भी कहते हैं, पीरीप्यूज. एंड दिस इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रा ऑरिफाइस. दिस इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रा ऑरिफाइस और यूरिनोजेनाइटल अपरेचर. ओके, नाउ दिस इज द इजाकुलेटरी डक्ट. ओके, एंड यूरिनरी ग्लैंड.
So, what type parts of the reproductive system is the ureter, okay, urinary bladder, ejaculatory duct, vas deferens, seminal vesicle, prostate, bulbourethral glands is also called corpus glands, penile urethra. This is on the over the testes, epididymis, testes. Testes is connected to gibberellaculum. This is the glans penis. Foreskin. Foreskin is called as peripuse, and this aperture is called external urethra orifice or urogenital aperture. Testes, about the testes. Okay. So testes कितना होता है? Testes one pair testes होता है. And testes जो होता है वो hold होता है एक pouch में जिसको बोलते हैं scrotum. Okay. So testes hold in the pouch. This is called the scrotum. And scrotum क्या होता है? Abdomen, outside abdominal cavity. तो टेस्टिस होल्ड होता है पाउच में जिसको स्क्रॉटम कहते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड रहता है. इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए टेस्टिस स्क्रॉटम में होल्ड होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी कहते हैं. ओके. एंड स्क्रॉटम कनेक्टेड होता है एब्डोमिनल कैविटी से बाय इंजिविनल कैनाल के द्वारा. ओके. सो स्क्रॉटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है इंजिविनल कैनाल के द्वारा. उसके बाद है हर टेस्टिस का जो होता है लेंथ क्या होता है 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है. ओके. एंड टेस्टिस जो होता है वो इंक्लोज्ड होता है, उसमें टेस्टिस मेनली तीन लेयर्स होते हैं. ओके. थ्री लेयर्स होते हैं. फर्स्ट जैसे क्या है, ट्यूनिया एल्ब्यूनिया क्या है, ये डेंस फाइब्रस टिश्यू कवरिंग है. एंड ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया को जो है आउटर का जो ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया है उसके बाहर का जो लेयर है, जो आउटर लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस. ओके. एंड ट्यूनिका वेजिनेलिस क्या है, स्क्रॉटल सेल का ये लाइनिंग है. ओके. एंड ट्यूनिका एंड थर्ड लेयर जो है वो क्या है, ट्यूनिका वेक्यूलोसा है. तो ये टेस्टिस पे कवर्ड होता है. ओके. सो टेस्टिस क्या हुआ, टेस्टिस में मेनली थ्री लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया के सबसे ऊपर होता है क्या, ट्यूनिका वेजिनेलिस. एंड इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूमिन के नीचे क्या होता है, ट्यूनिका वेक्यूलोसा. सो ये तीन क्या है, ये तीन है टेस्टिस के आउटर कवरिंग है. ओके. टेस्टिस जो होता है सस्पेंडेड होता है स्क्रॉटम में बस स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के द्वारा. ओके. सो टेस्टिस सस्पेंडेड इन स्क्रॉटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स. ग्यूबरनेक्यूलम क्या होता है कि एक फाइब्रस कॉर्ड होता है जो टेस्टिस के कॉर्डल एंड से एक्सटेंड होकर ये स्क्रॉटल वॉल तक जाता है. क्या होता है कि ग्यूबरनेक्यूलम क्या एक फाइब्रस कॉर्ड है जो टेस्टिस के कॉर्डल एंड से एक्सटेंड होकर स्क्रॉटल वॉल तक जाता है. टेस्टिकुलर लोब्स इज द कि टेस्टिस में क्या होता है, इस टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स, मिनिमम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हर लोब्स को कहते हैं, हर कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब कहते हैं. एंड टेस्टिकुलर लोब्स में क्या होता है, इस टेस्टिकुलर लोब में होते हैं क्या, 2 or 3 सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो कि हर लोब में होते हैं टेस्टिकुलर लोब में, उसको कहते हैं सेमी पेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. एंड सेमी पेरस ट्यूब्यूल जो है का आउटर वॉल क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है. तो यहाँ क्या है, टेस्टिस वन पेयर होता है, टेस्टिस एक पाउच में होल्ड करता है, इसको स्क्रॉटम कहते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है. ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. स्क्रॉटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होता है इंजुनल कैनाल से. टेस्टिस का लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर होता है, विथ 2.5 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर. टेस्टिस जो होता है वो इंक्लोज्ड होता है थ्री मेम्ब्रेन के द्वारा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका वेक्यूलोसा से. ओके. टेस्टिस स्क्रॉटम में सस्पेंडेड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के द्वारा. ग्यूबरनेक्यूलम क्या है कि फाइबरस कॉर्ड जो एक्सटेंड होता है कहां से, टेस्टिस से, और कहां तक जाता है, स्क्रॉटम वॉल तक जाता है. टेस्टिक्यूलर लोब क्या है कि हर टेस्टिस में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और ईच कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब कहते हैं. एंड टेस्टिकुलर लोब के अंदर हाईली कॉइल्ड होता है ट्यूब्यूल जिसको कहते हैं सेमी पेरस ट्यूब्यूल कहते हैं. एंड सेमी पेरस ट्यूब्यूल आउटर लेयर क्या है, जर्मिनल.
जर्मिनल एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल इज द सेमिफेरस टिब्यूल्स इज सराउंडेड बाय द जर्मिनल एपिथेलियल. सो सेमिफेरस टिब्यूल्स का जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं. एंड जर्मिनल एपिथेलियल में क्या होता है, दो टाइप्स का सेल होता है, टू टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट क्या है, सेटोलिन सेल. सेकेंड इज द स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. एंड फर्स्ट इज द सेटोलिन सेल्स एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो जर्मिनल एपिथेलियल में रहता है. ओके, सो सर्टोलिन सेल को जो है साइंटिस्ट ने जो जिन्होंने बताया था सर्टोलिन सेल्स के बारे में, वो कौन है, इनरिचो साइंटिस्ट, सॉरी इनरिचो सर्टोली. एंड इनके नाम पे ही सर्टोलिन सेल्स का. सर्टोलिन सेल्स कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, पायरामाइडल शेप का होता है, लार्ज होता है. एंड क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल को ढक देता है, इनवेलप कर देता है, ये इनवेलप कर देता है स्पर्मेटोजेनिक सेल को. ओके, तो सर्टोलिन सेल का जो टू पार्ट्स है, एक बेसल पार्ट, दूसरा एपिकल पार्ट. तो बेसल पार्ट जो होता है वो बेसल लेमिना में एडहर्ड हो जाता है. ओके, सो बेसल पार्ट बेसल लेमिना में एडहर्ड हो जाता है. एंड जो एपिकल एंड होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में फ्रीली एक्सटेंडेड करते जाता है. ठीक है, फ्रीली एक्सटेंड होता है ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सर्टोलिन सेल्स का काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. उसके बाद ये इट एंड ऑल्सो द सेट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, तो सर्टोलिन सेल्स का काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ स्पर्मेटोजोआ जो कि उनके डेवलपमेंट के टाइम उसको सेल प्रोवाइड करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम, जब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है तो उसको सेल प्रोवाइड करने का काम सर्टोलिन सेल्स करता है. ओके, एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, नाउ द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या होता है, टू फोर और फाइव लेयर बिटवीन स्पेस ऑफ ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल एंड बेसल लेमिना. तो बेसल लेमिना और ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल, इसके बीच में चार और पांच लेयर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल बोलते हैं. ओके, एंड ये जो सेल होता है ये डिफरेंट स्टेजेस में होता है. ओके, सेल जो है अलग अलग स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से होते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस में रहते हैं. जैसे क्या है कि कोई स्पर्मेटोगोनिया में रहता है, समवन इज इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, डीटीसी. ओके, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या होता है, वो अलग अलग स्टेज में रहता है, डिफरेंट स्टेज में रहता है, लाइक स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, डीटीसी. ओके, सो यहाँ क्या हुआ कि सर्टोलिन सेल्स जर्मिनल एपिथेलियल में क्या होता है, टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, सर्टोलिन सेल्स एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. सर्टोलिन सेल्स को इनरिचो साइंट सर्टोली ने बताया था सर्टोलिन सेल के बारे में. ये कैसा सेल होता है, ये लॉन्गेटेड होता है, पायरामाइडल होता है, लार्ज होता है, और स्पर्मेटोजेनिक सेल को इनवेलप किया जाता है. सर्टोलिन सेल का जो टू पार्ट है, एक बेसल पार्ट, दूसरा एपिकल पार्ट. तो बेसल पार्ट जो होता है वो बेसल लेमिना में एडहर्ड रहता है, जबकि एपिकल एंड जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में फ्रीली एक्सटेंडेड होता है. ओके, ये क्या करता है कि सर्टोलिन सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो स्पर्मेटोजोआ को ये सेल प्रोवाइड करता है. स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में ये स्पर्मेटोजोआ को ये सेल प्रोवाइड करता है, जबकि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या है कि ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड बेसल लेमिना के बीच में फोर और फाइव लेयर्स का स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है. एंड सेल जो क्या होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, जैसे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया में है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में है, या स्पर्मेटिड्स में. ये डिफरेंट स्टेजेस में रहते हैं. नाउ क्या है, नाउ द इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग. इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग जो है ये पॉलीहेड्रल होता है. इसका शेप कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है. एंड इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है. एंड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग रहते हैं. ओके, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग को फ्रांस वॉन लीडिंग ने दिया था, बताया था उसके बारे में. और इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लीडिंग से जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कनेक्टिव टिश्यू में रहता है वो सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है. ओके, एंड ये जो जितने भी सेल्स हैं टेस्टिस के जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स कंट्रोल्ड होते हैं दो हार्मोन से. एक क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा क्या है, ICSH इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन से जो टेस्टिस के सारे सेल्स को कंट्रोल करके रखता है. एंड ये जो है FSH एंड ICSH है ये पिट्यूटरी से
रिलीज होता है। तो इंटरस्टिशियल सेल क्या हो गया, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है उससे उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ब्रीदिंग पाया जाता है। इसको फ्रांच वॉन रीडिंग ने बताया था। और इस सेल से लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में। एंड जितने भी सेल्स हैं टेस्टिस के ऑल रिजल्ट्स कंट्रोल्ड होते हैं FSHI ICSHS से। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कंट्रोल्ड होते हैं एंड FSHI ICSH हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओके, द डक्ट सिस्टम। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम? तो डक्ट सिस्टम इज रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जो भी एसेसरीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जो भी सेक्रेट होता है उसको रिसीव कौन करता है, ये डक्ट सिस्टम रिसीव करता है। एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो डक्ट सिस्टम का काम क्या हो गया कि एसेसरीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी सेक्रेशन होता है उसको रिसीव करने का काम करता है एंड स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टेस्टिस के आउटसाइड और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। नाउ अब क्या, डक्ट सिस्टम टू टाइप्स का है, इंट्रा टेस्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है। तो इंट्रा टेस्टिकुलर में क्या है, पहला क्या है ट्यूबुलरी रेक्टी। ट्यूबुलरी रेक्टी क्या है, शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट एट द एंड ऑफ द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास जो होता है एंड में, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एंड में शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलरी रेक्टी कहते हैं। सेकेंड क्या है, रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस क्या होता है, कनेक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लैब्रियंथ से टू हाईली एनास्टोमाइजिंग लैब्रियंथ से। तो रीटी टेस्टिस का काम क्या है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लैब्रियंथ से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड थर्ड इज द डक्टिवली इफ्रेंसिया। तो डक्टिवली इफ्रेंसिया क्या होता है कि 10-20 फाइन ट्यूब्यूल्स जो होता है वो रीटी टेस्टिस से अराइजेस होते हैं। रीटी टेस्टिस से 10-20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइजेस होता है जिसको क्या होता है, डक्टिवली इफ्रेंसिया कहते हैं। डक्टिवली इफ्रेंसिया को वॉस इफ्रेंसिया भी कहते हैं। एंड वॉस इफ्लुएंसिया क्या करता है, ये कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजुआ आउट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग स्पर्मिनेशन। तो ये स्पर्मेटोजुआ को कंडक्ट करता है टेस्टिस के आउट ऑफ टेस्टिस के आउट स्पर्मिनेशन के समय में। ओके, तो इंट्रा टेस्टिकुलर क्या हो गया, ट्यूबुलर रेक्टी होता है इसमें, रेक्टी टेस्टिस है एंड डक्टिवली इफ्लुएंसिया है। एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। इन एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में क्या होता है, डक्टस इपिडाइडमिस है। तो डक्टस इपिडाइडमिस क्या है, ट्यूब्यूल्स ऑफ डक्टिवली इफ्रेंसिया टू फॉर्म सिंगल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। जो डक्टिवली इफ्रेंसिया का जो ट्यूब्यूल्स होता है, ये जो डक्टिवली इफ्रेंसिया इसका जो ट्यूब्यूल्स होता है बहुत सारा, जो इसका ट्यूब्यूल्स बहुत सारा ट्यूब्यूल्स एक सिंगल कन्वोल्यूटेड ट्यूब फॉर्म करता है जिसको डक्टस इपिडाइडमिस कहते हैं। एंड इस ट्यूब का जो लेंथ होता है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। डक्टस इपिडाइडमिस जो ट्यूब जो सिंगल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो फॉर्म करता है उसको लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। एंड इसमें क्या है, फर्स्ट है कॉर्पस इपिडाइडमिस, तीन है कॉर्पस इपिडाइडमिस, कॉर्पस इपिडाइडमिस एंड काउटा इपिडाइडमिस। तो कॉर्पस इपिडाइडमिस क्या होता है, ये हेड और अपर पार्ट होता है। मतलब डक्टस इपिडाइडमिस का जो अपर पार्ट और हेड होता है उसको क्या, वो कौन है, कॉर्पस इपिडाइडमिस है। ये क्या करता है, वॉस इफ्रेंसिया को रिसीव करता है। एंड इसमें क्या होता है, स्पर्म मैच्योरेशन में जाते हैं। ओके, एंड यहाँ क्या होता है, स्पर्म का जो है मोटिलिटी भी कभी जरूरत होता है। एंड कॉर्पस इपिडाइडमिस के पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का एबिलिटी होता है। सॉरी, ओके, सेकेंड इज द कॉर्पस इपिडाइडमिस। कॉर्पस इपिडाइडमिस क्या है, ये मिडिल पार्ट है। ओके, एंड काउडा इपिडाइडमिस क्या है, ये लोअर और टेल पार्ट। मतलब डक्टस इपिडाइडमिस का लोअर और टेल पार्ट क्या है, कॉर्डा इपिडाइडमिस है। एंड ये मतलब ये वॉस डिफरेंशिया के से उसको लीड करता है, ये लीड्स करता है इसमें इंटू टू वॉस डिफरेंशिया। और काउडा इपिडाइडमिस क्या होता है, यहाँ जो है स्पर्म कुछ समय के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए स्पर्म यहाँ स्टोर होता है। सो डक्ट सिस्टम में क्या होता है कि एसेसरीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी सेक्रेशन होता है उसको रिसीव करने का काम करता है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस से आउटसाइड और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और
इसमें इंट्रा टेस्टिकुलर होता है, उस बार एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर होता है, टू टाइप्स का होता है। तो उसमें जो ट्यूबली रेक्टी होता है, ये क्या होता है कि एक कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के एंड पे शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट होता है, जो क्या इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के एंड पे शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट होता है। रिक्टी टेस्टिस क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को लेब्रियन से कनेक्ट करने का काम करता है। डक्टिली फेंसिया क्या होता है कि रिक्टी टेस्टिस से 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं, जिसको डक्टिली फेंसिया कहते हैं। डक्टिली फेंसिया को वॉस इफेंसिया भी कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजुआ को आउट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग स्पर्मिगेशन के टाइम में। एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर क्या है, मेन डक्टस एपिडाइडिमिस है। तो डक्टस एपिडाइडिमिस क्या है कि ये जो डक्टिली फेंसिया है, इसका बहुत सारा ट्यूब्यूल्स जो है मिलकर एक सिंगल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स बनाता है, जिसको डक्टस एपिडाइडिमिस कहते हैं। और ये 6 मीटर लॉन्ग होता है। इसके तीन पार्ट है, कॉर्पेट एपिडाइडिमिस, कॉर्पस एपिडाइडिमिस एंड कॉर्डा एपिडाइडिमिस। कॉर्पेट एपिडाइडिमिस जो है वो हेड और अपर पार्ट है। यहाँ क्या होता है, ये वॉस एफेंसिया को रिसीव करता है। दूसरा क्या है, ये स्पर्म जो है यहाँ मैच्यूरेशन में जाता है और मोटिलिटी एक्वायर करता है। एंड यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एबिलिटी होता है। कॉर्पस एपिडाइडिमिस क्या है, ये मिडिल पार्ट है। एंड कॉर्डा एपिडाइडिमिस क्या है, ये लोअर पार्ट है जो वॉल डिफरेंस में जाता है। एंड कॉर्डा एपिडाइडिमिस में क्या होता है कि स्पर्म जो है शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। ओके, वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस क्या होता है कि लॉन्ग स्लाइटली क्वाइट ट्यूब एंड थिक मस्कुलर वॉल होता है। एंड वॉस डिफरेंस का क्या होता है, ये सेंस होता है इनटू पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी में बाय इंजुबिनल कैनाल के द्वारा। ये जो है एसेंस होता है पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद क्या है कि पासेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से पास होता है एंड देन ये डायलेट करके क्या फॉर्म करता है, एम्प्यूला फॉर्म करता है। ओके, एंड एम्प्यूला का काम क्या है कि एम्प्यूला रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल से जो भी डक्ट आते हैं उसको रिसीव करने का काम एम्प्यूला करता है एंड क्या फॉर्म करता है, एंड इजेक्युलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। तो वॉस डिफरेंस क्या है कि वॉस डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग है, स्लाइटली कॉइल ट्यूब है, इसका थिक मस्कुलर वॉल है एंड ये एसेंस होता है किसमें, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी में एसेंस होता है। किसके द्वारा, तो इंजुबिनल कैनाल के द्वारा। ओके, ये एसेंस होता है पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद क्या है कि ये यूरिनरी ब्लैडर से पास होकर डायलेट करता है एंड ये फॉर्म करता है एम्प्यूला फॉर्म करता है। ओके, एम्प्यूला क्या करता है, वो रिसीव करता है डक्ट को, डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से जो भी डक्ट आते हैं उसको रिसीव करता है और इजेकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। इजेकुलेटरी डक्ट क्या है, ये पास होता है प्रोस्टेट से, प्रोस्टेट से पास होने के बाद ये एंटर करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। इजेकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट से पास होकर ये एंटर करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, ये एंटर करता है एंड देन यूरेथ्रा पास होता है पेनिस से और ये ओपन होता है टू एक्सटीरियर टू द कंडक्ट। ओके, यूरेथ्रा पेनिस से पास होकर ये ओपन होता है किसमें, एक्सटीरियरली ओपन होता है, जो कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स पेनाइल मीटस। तो इजेकुलेटरी डक्ट क्या हुआ, ये प्रोस्टेट से पास करके प्रोस्टेट यूरेथ्रा में गया। ओके, एंड यूरेथ्रा जो है वो पास करता है पेनिस से पास होकर, वो एक्सटीरियरली ओपन होता है, जो क्या कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स पेनाइल मीटस के टुवर्ड्स एक्सटर्नल, ये स्पर्मेटोजोआ कंडक्ट करता है। और ये जो पेनाइल मीटस है इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रिटरी की तरह भी काम करता है और जेनिटल की तरह भी काम करता है, जेनिटल के लिए भी एक्सक्रिटरी के लिए भी काम करता है। फोर्थ थर्ड इज द एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटल जेनिटिलिया और पेनिस, ये क्या है कि इसका काम के, ये जो पेनिस है वो क्या है, इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गेन। पेनिस इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गेन। ये क्या होता है, ये लॉन्ग स्वेप्ट होता है एंड स्वेलन एट टिप्स, और टिप पे क्या होता है, ये स्वेलन होता है टू फॉर्म ए ग्लैंड्स पेनिस। ओके, पेनिस इज द इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गेन एंड इट इज द, एंड ये क्या, लॉन्ग स्वेप्ट होता है, लॉन्ग स्वेप्ट होता है, स्वेलन होता है टिप पे, स्वेलन होता है जो क्या फॉर्म करता है, ग्लैंड्स पेनिस फॉर्म करता है। ओके, तो इसमें टू कॉलम्स होते हैं ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज के, इसके में टू कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम क्या है, कॉर्पोरा केवर्नोजा,
पहला है कॉर्पोरा कैवेनोजा जो प्लेस डॉर्सली प्लेस्ड होता है, एंड सेकेंड इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि यूरिथ्रा के चारों साइड से रहता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो यूरिथ्रा के चारों साइड रहता है। अब नाउ स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू जो है, स्पॉन्जी टिश्यू जिसमें कि बहुत सारे ब्लड साइनस होते हैं, इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन में, हेल्प इन इरेक्शन इन पेनिस। ओके, एंड ग्लांस पेनिस क्या होता है, ग्लांस पेनिस जो होता है लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसको प्रीप्यूस और फोर स्किन भी कहते हैं। ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है किसे, लॉन्ग लूज रिट्रैक्टल फोल्ड ऑफ स्किन से, इसको प्रीप्यूस भी कहते हैं और फोर स्किन भी कहते हैं। यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल कहाँ ओपन होता है, टिप पे, जिसको क्या बोलते हैं यूरिथ्रल माइटस कहते हैं। यूरिथ्रा कहाँ ओपन होता है, टिप पे, जिसको यूरिथ्रल माइटस कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, वॉस डिफरेंस क्या हो गया, लॉन्ग स्लाइटली क्वाइल ट्यूब है जो थिक और मस्कुलर वॉल भी है, जिसका मस्कुलर थिक मस्कुलर वॉल होता है। ये क्या होता है, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी में एसेंस होता है इन जुवेनाइल कैनाल के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि ये पास यूरिनरी ब्लैडर से पास करता है एंड देन डायलेट करके ये एम्प्यूला फॉर्म करता है। एम्प्यूला जो है सेमिनल वेसिकल से जो भी डक्ट आता है उसको रिसीव करता है और फॉर्म और क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये प्रोस्टेट से पास होकर प्रोस्टेट यूरिथ्रा में चला जाता है। ओके, एंड देन यूरिथ्रा जो होता है वो पास होता है पेनिस से और बाहर एक्सटीरियर ओपन, यूरिथ्रा पेनिस से पास होते हुए एक्सटीरियरली ओपन होता है, मतलब आउटसाइड ओपन होता है। एंड क्या कंडक्ट करता है, स्पर्मेटोजोआ कंडक्ट करता है, कब, कहां, किसके साइड, टुवर्ड्स पेनाइल मीटस के टुवर्ड्स स्पर्मेटोजोआ कंडक्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं, पेनाइल मीटस एक्सक्रीटरी एज वेल एज एन जेनिटल, मीन्स इसको यूरिन और जेनिटल डक्ट कहते हैं, ये दोनों काम करते हैं एक्सक्रीटरी में भी और जेनिटल में भी। एक्सटर्नल जेनिटली और पेनिस क्या होता है, ये क्या है, इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गेन है। ओके, इसका एक लेफ्ट लॉन्ग सेप्ट स्वेलन टिप होता है, स्वेलन होता है टिप पे और क्या फॉर्म करता है, ग्लांस पेनिस फॉर्म करता है। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू के टू कॉलम्स होते हैं, कॉर्पोरा कैवेनोजा और दूसरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। तो ये जो होता है कॉर्पोरा कैवेनोजा ये डॉर्सली प्लेस्ड होता है, जबकि कॉर्पस स्पॉन्जियो जो है वो अराउंड यूरिथ्रा के चारों साइड होता है। स्पॉन्जियो टिश्यूज का काम क्या है, ये इरेक्टाइल फंक्शन में पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। एंड ग्लांस पेनिस क्या है, ये लूज इरेक्टाइल फुल्ड ऑफ स्किन से क्या होता है, कवर्ड होता है एंड जिसको प्रीप्यूस या फोरस्किन भी कहते हैं। एंड यूरिथ्रल जो है वो ऊपर होता है पिट स्टिक पे, इसको यूरिथ्रल माइटस एक्सेसरीज ग्लैंड। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरीज ग्लैंड, फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल, सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ऑल दीज थ्री आर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑल आर द एसेसरीज ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, पेयर्ड होता है। ओके, पेयर्ड होता है एंड ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउचेज होता है। सेमिनल वेसिकल कैसा होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउचेज टाइप होता है एंड देन इसका वॉल मस्कुलर होता है। ये एम्प्यूला के नियर लोकेट रहता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये एम्प्यूला के पास के नियर पाया जाता है। वॉस डिफरेंसिया के पास जो एम्प्यूला होता है वहां ये सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। ये सेक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, सेक्रीट करता है जिसके, ये अल्कलाइन फ्लूइड में क्या क्या रहता है, अल्कलाइन फ्लूइड में फ्रुक्टोज, साइट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड, इनोसाइटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोटीन्स, ये सारे चीज इस अल्कलाइन फ्लूइड्स में रहते हैं। एंड 75% ऑफ सेलन जो है वो सेमिनल वेसिकल से ही प्रोड्यूस्ड होता है। एंड ये डक्ट जो होता है सेमिनल वेसिकल ये ओपन होता है किसमें, वॉस डिफरेंस में ओपन होता है। ओके, नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये सिंगल होता है। ओके, एंड ये जो होता है ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड होता है, कैसा, मतलब ट्यूब्यूल टाइप का होता है, एल्वुलर ग्लैंड है। इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्जियो टेक्सचर होता है। ओके, स्पॉन्जियो टेक्सचर होता है। ये कैसा, सेप्ड का होता है, तो चेस्ट नट सेप्ड का होता है। ओके, एंड ये जो है सराउंड किसको करता है, जो यूरिथ्रा का जो इनिशियल पार्ट है उसको सराउंड करता है, उसके चारों ओर होता है। सेक्रीट करता है थीन मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, ये सेक्रीट करता है, ये सेक्रीट करता है थीन मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड एंड जिसको कि इस स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड को प्रोस्टेटिक
फ्लूड प्रोस्टेटिक फ्लूड भी कहते हैं हम लोग। एंड इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ, इसके अंदर जो होता है सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करता है और उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेशन एंड नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो करता है। और ये कहाँ ओपन होता है, कि यूरिथ्रा में ओपन होता है। नाउ थर्ड इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को क्या बोलता है, पाउपस ग्लैंड भी कहते हैं इसको। ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे होता है, ओके। एंड ये सेक्रीट करता है म्यूकस। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है, जिसका काम क्या है, फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। एंड देन एसिडिक यूरिन को ये न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। एंड ये जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये कहाँ ओपन होता है, ये यूरिथ्रा में ओपन होता है। तो यहाँ क्या हो गया, एसेसरी ग्लैंड तीन है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या है, पेयर्ड होता है ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग पाउचेस, पाउच का होता है। एंड देन इसका वॉल मस्कुलर होता है, ये एम्ब्यूला के पास पाया जाता है, नियर पाया जाता है। इसके अल्कलाइन फ्रूट सेक्रीट होते हैं, जो कि जो अल्कलाइन फ्रूट क्या है, फ्लूड क्या है, ये है फ्रुक्टोज है, साइट्रेट है, स्कॉर्बिक एसिड है, इनोसाइटोल्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीन्स। ये सारे अल्कलाइन फ्रूट्स हैं जो सेमिनल वेसिकल से सेक्रेट होते हैं। एंड 75% ऑफ सेमेन जो है वो सेमिनल वेसिकल से सेक्रेट होता है। इसका जो डक्ट होता है वो वॉल्स डिफेंस में ओपन होता है, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, चुबलो एंगुलर ग्लैंड है ये। इसका टेक्सचर स्पॉन्जी होता है, ये जो है चेस्ट नट सिफ्ट का होता है। एंड ये इनिशियल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को सराउंड करता है, ओके। ये सेक्रेट करता है थीन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूड सेक्रेट करता है, एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लूड को प्रोस्टेटिक फ्लूड भी कहते हैं। इसके इसके अंदर जो एक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पर्मेटोजोआ को के एक्टिवेशन और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड ये यूरिथ्रा में ओपन्स होता है। नाउ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को कॉपस ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिलो नीचे पाया जाता है। एंड ये म्यूकस सेक्रीट करता है जो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, एंड ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन, एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज करता है। एंड ये कहाँ ओपन होता है, यूरिथ्रा में ओपन होता है। अब क्या है कि जो सेमेन प्रोड्यूस होता है सेमिनल वेसिकल से, एंड म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से, इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये जो फ्लूड है ये मीडियम प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो है ट्रांसपोर्ट कर सके, किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक में वो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो पहला काम क्या हो गया कि ये स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक फ्लूड मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में, कहां फीमेल जेनिटल ट्रैक में ट्रांसपोर्ट में, ओके। दूसरा चीज क्या है कि ये जो सेमेन एंड म्यूकस है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ओके। थर्ड क्या है कि ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो उसमें मोटाइल आए, मोटाइल मीन्स मूवमेंट हो सके उसमें, विदाउट अगर स्पर्म में मूवमेंट ना हो तो वो क्या होता है, वो उसका कोई यूज नहीं रहता है। सो एक्टिवेट करता है ये स्पर्म को, और कैसे कैसा बनाता है, मोटाइल बनाता है, वियरेबल बनाता है और मोटाइल बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये न्यूट्रलाइज को एसिडिक कर देता है, सॉरी न्यूट्रलाइज एसिडिक कंटेंट इन वेजिना एंड यूरिथ्रा। वेजिना एंड यूरिथ्रा में जो भी एसिडिक कंटेंट, जो भी एसिडिक सब्सटेंस या जो भी एसिडिक कंटेंट रहता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। फोर्थ इज प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में को, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ओके। एंड ये क्या फैसिलिट करता है, सेक्सुअल एक्ट फैसिलिट करता है। तो सेमेन एंड म्यूकस जो है ये टुगेदर का इसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक फ्लूड मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि स्पर्म लेबल और मोटाइल बन जाए, ये जो वेजिना और यूरिथ्रा में जो एसिडिक कंटेंट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड ये फैसिलिट करता है सेक्सुअल एक्ट को फैसिलिट करता है, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू अपडेट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद ऑल फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।